अस्सलामुअलैकुम। अच्छा यार, देखें, एक डेप्रिसिएशन में ये चीज़ भी आती है कि नॉन करंट एसेट की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और दीवी का सवाल में नेट बुक वैल्यू, तो कैसे जाएंगे इसमें? स्ट्रेट लाइन में कैसा होगा और रिड्यूसिंग में कैसा होगा? अलग अलग तरीके हैं। SLM कंपैरेटिवली आसान है। SLM की बात करते हैं, पहले सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2021 को साल शुरू हुआ, तो इस साल के स्टार्ट में जनवरी 2021 में अब जो साल शुरू हुआ है, 21 शुरू हुआ है अभी, और 21 के शुरू में नेट वैल्यू कितनी है एसेट की? 1,25,000 है। यानी कि 2021 की अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगी है, क्योंकि 2021 स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी है। SLM 10% लगाते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे, लगती है स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन 10%। और स्ट्रेट लाइन की एक और ख़ास बात है, वो क्या है, हर साल की डेप्रिसिएशन सेम होती है। तो पहले साल 10% से जो आएगा और अगले साल 10% से जो आएगा और जो अगले साल 10% आएगा, वो सेम ही होगा। SLM ऐसी है। कह रहे कॉस्ट निकालो एसेट की 1 जनवरी 2018। इसका मतलब हम अगर अकाउंटिंग बना कर देखें तो हम हैं अभी 1 जनवरी 2021 में। इधर की उसने नेटबुक वैल्यू हमें दे दी 125। हम एक साल पहले आ जाएं, हम आ जाएंगे जनवरी 2020। उससे पहले आ जाएं हम एक साल और, तो हम आ जाएंगे जनवरी 19। उससे एक साल पहले आ जाएं तो हम आ जाएंगे जनवरी 18। वो कह रहे हैं यार, ये जनवरी 18 इस दिन की कॉस्ट निकालो। चलें, अगर इस दिन कॉस्ट थी, हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स थी कॉस्ट, हमें नहीं पता क्या कॉस्ट थी, एक्स थी कॉस्ट में से क्या होगा, पहले साल 10% लगा होगा, दूसरे साल 10% लगा होगा, तीसरे साल 10% लगा होगा, चौथे साल की शुरू की बात कर रहे हैं, चौथे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आई होगी, शुरू के ना 3 साल की लगी होगी। तो ये जो इसने 1 जनवरी 2021 की नेटबुक वैल्यू दी हुई 1,25,000, ये कितनी डेप्रिसिएशन लगने के बाद होगी? क्योंकि नेटबुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बच गई है, डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू क्या बच गई है, 125। ये कितने साल की डेप्रिसिएशन के बाद? 1, 2, 3 साल की। तो इसका मतलब एसेट की कॉस्ट होगी, अज्यूम कर लेते हैं 100%, फिर एक साल का 10% निकला डेप्रिसिएशन, SLM हर साल सेम होगा, 10% निकला, 10% निकला, और 3 साल के बाद की इसने हमें नेटबुक वैल्यू बता दी 1,25,000। यानी कि 100% में से अगर 30% निकला होगा इन 3 सालों में, तो कितना परसेंट बच गया होगा रिमेनिंग? और नेटबुक वैल्यू भी क्या होती है, रिमेनिंग वैल्यू होती है। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि एसेट की कॉस्ट 100% है, जो कि हमें नहीं पता एक्स है, और डेप्रिसिएशन 30% निकली है इन 3 सालों में, तो नेटबुक वैल्यू कितनी बची, 70% चाहिए ना, 30% डेप्रिसिएशन निकली तो नेटबुक वैल्यू परसेंटेज में कितनी बची, 70%। वो कितनी दी हुई, 1,00,000। तो नेटबुक वैल्यू जो 70% है वो 1,25,000 है, तो 100% कॉस्ट कितनी है एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो ये एक्स आ जाएगी कॉस्ट। कितना आ रहा है यार, कैलकुलेट कर ले, मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, अब तो कर लें कैलकुलेटर से। भाई मेरी बात, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सारी जितने जितने साल के बाद की नेटबुक वैल्यू दी गई और जितने साल डेप्रिसिएशन लग गई, हम उतने परसेंटेज को टोटल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अभी, 1,25,000 × 100/70, ये आ गया 1,78,57। ये कॉस्ट है, एग्जांपल है, तो इसलिए इस तरह की वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट 3,00,000, डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन मेथड रिक्वायर्ड इज कैलकुलेट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2020। अब ये देखें, अभी जनवरी 2022 की इसने हमें नेटबुक वैल्यू बता दी 3,00,000, और हमें क्या कह रहे हैं, भाई आप पीछे आएँ
जनवरी 21 पे आ जाएं और पीछे आ जाएं, जनवरी 20 पे आ जाएं, तो जनवरी 20 की ये बतानी है, ये इस दिन की कॉस्ट पता नहीं कितनी है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी, 20% है, स्ट्रेट लाइन है। अगले साल भी सेम 20% लगी होगी। इस साल की शुरू का पूछ रहे तो इस साल की नहीं लगी होगी। तो इन जब तक नेटबुक वैल्यू दी हुई है उस वक्त तक, साल की शुरू की नेटबुक वैल्यू तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 40%। तो आप ये कह सकते हैं अगर कॉस्ट 100% है और 2 साल की डेप्रिसिएशन लग गई है इस पर, फिर नेटबुक वैल्यू दी हुई है, 2 साल की कितनी हो गई, 40%, और नेटबुक वैल्यू फिर कितनी बच गई, 60%, और कितनी दी हुई है सवाल में, 3 लाख। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, बोलेंगे कि नेटबुक वैल्यू 60% है, 3 लाख, और कॉस्ट 100% कितनी हो जाएगी, एक्स। इसको सॉल्व कर लें तो 3 लाख नेटबुक वैल्यू है डेप्रिसिएशन के बाद, यानी कि 60% है, मल्टीप्लाई बाय 100/60, 5 लाख आ गई कॉस्ट। इस तरह कॉस्ट कैलकुलेट होती है स्ट्रेट लाइन में। रिड्यूसिंग में अलग होता है, स्ट्रेट लाइन में तो हमने देखे प्लस कर लिया ना, 20, 20, 40 कर लिया, 3 साल हैं तो 10, 10, 10, 30 कर लिया। रिड्यूसिंग में हर साल की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। रिड्यूसिंग में आप साल एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अभी रिड्यूसिंग करते हैं, समझाता हूँ।